हे देव, आई विश यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है क्रिमिनोलॉजी की। इसे एडविन एच सदरलैंड ने दिया था। जैसे कि फिजिक्स में न्यूटन, वैसे ही हमारी क्रिमिनोलॉजी में सदरलैंड साहब। इसके पहले भी आपने इनका नाम शायद सुना होगा। ये थ्योरी अराउंड 1947 दी गई थी। सदरलैंड के अकॉर्डिंग क्रिमिनेलिटी के, ये क्रिमिनल बिहेवियर का मेन रीज़न था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना। लाइक कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, कोई अच्छी हैबिट्स है किसी की, तो ये सब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। सोसाइटी बहुत ही विभिन्न प्रकार के लोगों से भरी हुई है ना, थोड़ी ही सब एक टाइप के हैं। फिर यही सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को क्रिमिनेलिटी का रीज़न माना। उनका कहना था क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन विथ अदर्स। मतलब जैसे लोगों से, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है ना पर्सन, वो क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है। दे लर्न दिस एक्ट फ्रॉम टीचर्स ऑफ क्राइम। टीचर्स ऑफ क्राइम कौन है? वो क्रिमिनल्स जो ऑलरेडी इन बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें ही तो टीचर्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। कोई माफियाज हो गए, या फिर कोई पेडलर्स हो गए, ड्रग पेडलर्स, ये सब कुछ, तो उन लोगों से ही पर्सन सीखता है, वही टीचर्स ऑफ क्राइम होते हैं। तो सिंपल बात है कि क्राइम इज़ लर्न, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। मतलब अपने फोर फादर्स से हमें नहीं मिली होती है, जैसा कि लोम्ब्रोज़ो ने कहा था। लोम्ब्रोज़ो की थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी थी, लेक्चर देखा था, तो आपको याद होगा कि उनका कहना था कि क्रिमिनल बिहेवियर, बॉर्न क्रिमिनल करके उन्होंने एक वो दिया था कैटेगरी, तो उनका कहना था कि ये इनहेरिट किया जाता है। बट यहाँ पर सदरलैंड ने उस पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया। देखते हैं सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से पर्सन ये क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है। अभी तो यहाँ पे कहा गया ना कि इंटरेक्शन से, किस किस के साथ इंटरेक्ट करते हुए, अपने पीयर्स से, फैमिली से। फैमिली से भी तो ऑब्वियसली पर्सन सीखता है ना चीज़ें। सबसे पहली पाठशाला तो घर ही है। फिर फ्रेंड्स हो गए, जैसी कंपनी होती है, इट्स अ कंपनी विच मेक्स अ मैन, तो अपनी कंपनी से भी पर्सन बहुत कुछ सीखता है, फ्रेंड से सीखता है ना, फैमिली, पीयर्स, देन कम्युनिकेशन से सीखता है, सोशल मीडिया। आज के तो न्यू ज़माने पे मास मीडिया कम्युनिकेशन भी आ चुका है। बहुत सी चीज़ें लोग यूट्यूब से और ऐसे बहुत सी चीज़ों से, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो यूट्यूब से ही रहे हैं ना, इंस्टा, फेसबुक, बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट से लोग सीखते हैं, मैगजीन से सीखते हैं, फिर वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू सीखते हैं, मूवीज से भी लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग कैरेक्टर को आइडलाइज करते हैं, उनकी चीज़ें कॉपी करते हैं। सबसे अच्छे एग्जांपल हम ले सकते हैं माफियाज का। ग्रुप होता है उनका एक, और वो ग्रुप से चीज़ें सीखते हैं। एक पर्सन दूसरे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, एंड थिंग्स विल गो लाइक दैट। तो ग्रुप ऑफ माफियाज, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है कम्युनिटी का। अगर कोई कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, अगर किसी कम्युनिटी में कोई चीज़ नॉर्मलाइज है, सपोज़ ले लेते हैं सेक्रीफाइस करना, बलि देना, है ना। बहुत सी कम्युनिटी में बलि देना नॉर्मल होता है। चाइल्ड मैरिजेस आज भी बहुत सी जगह पर होती हैं। ये कम्प्लीटली इस चीज़ को भी नहीं हटाया जा सका है अपने देश से। तो अगर ये कहीं नॉर्मल है, तो फ्यूचर की जनरेशन को क्या लगेगा कि हमारे एंसेस्टर्स में डावरी नॉर्मल थी, चाइल्ड मैरिज नॉर्मल थी, तो ये सही है। इस तरह से एक पर्सन दूसरे से सीखेगा, वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये सोशल लेवल सिखाता जाएगा। तो ये है बेस्ट एग्जांपल हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स पे हम नज़र डालेंगे। चलिए, तो समझ आ चुका चाइल्ड मैरिज, डावरी एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ लेट अस हैव लुक एट इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कि आखिर कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए गए थे सदरलैंड के द्वारा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पोस्टुलेट कहता है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, मतलब क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है इस थ्योरी की कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न नॉट अर्न। मतलब कि इस क्रिमिनल बिहेवियर को, क्रिमिनल नेचर को पर्सन सीखता है, किसे?
लर्न विथ इंटरेक्शन, है ना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। ये भी हमने देखा था, इनहेरिट नहीं किया जाता, जैसे कि लोम्ब्रोज़ो ने क्या कहा था, बॉर्न क्रिमिनल का एक कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करती है थ्योरी कि कोई भी पर्सन एज अ क्रिमिनल पैदा नहीं होता, वो बड़ा होता है, चीज़ों को सीखता है, जानता है, समझता है, फिर जाके ही उसमें क्रिमिनलिटी आती है। और लर्न, चूँकि हमने यहाँ पर कहा लर्न, तो कैसे सीखता है, क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न, लर्न हाउ, बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स। व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स तो वो उसे कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें एक ग्रास्प करते हैं, राइट। आप एक कंपनी में रहेंगे या फिर फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी बीच में रहेंगे, जब आपका उन अदर्स से इंटरेक्शन होगा तभी तो आप उनसे चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है। फिर ये लर्निंग इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स में होती है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा ना माफियाज का, और कम्युनिटी की हमने बात की कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ सही मानी जाती है तो उसे हर एक व्यक्ति सही ही मानता है। तो लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ पर्सनल ग्रुप। आई होप ये तीन पॉइंट्स आपको, तीन पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हैं। नाउ वी विल हैव लुक एट अदर पोस्टुलेट्स, ठीक। टोटल यहाँ पे 9 पोस्टुलेट्स हैं। ये है आपका 4th, लर्निंग इंक्लूड्स, कि आखिर कब से हम लर्निंग लर्निंग की बात की जा रही है, आखिर ये किस लर्निंग की बात हो रही है, क्या चीज़ सीखने की बात की जा रही है। लेट अस हैव अ लुक एट दिस। तो लर्निंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स, किस चीज़ की, क्राइम करने की, है ना, ऑफ कमिटिंग क्राइम। तो लर्निंग क्या क्या इंक्लूड करती है, सबसे पहला तो टेक्निक, आखिर क्राइम कैसे किया जाए, वो भी वो पर्सनल ग्रुप से ही सीखता है ना। तो और ड्राइव, ड्राइव मतलब कि कोई जैसे कि कोई अर्ज हो, कोई नीड हो, है ना, रिक्वायरमेंट, उसको ड्राइव कहा जाता है, कि आखिर वो पर्सन क्यों क्रिमिनल बनना चाह रहा है। फिर मोटिव, उसका आखिर मोटिव क्या है क्रिमिनलिटी के पीछे। टेक्निक हो गई, ड्राइव हो गया, अब मोटिव हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं। और 4th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड, कि उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी, कैसा एटीट्यूड रखना है सबके साथ और बाकी कोलिग्स के साथ, ये सब कुछ भी लर्निंग में इंक्लूड होती है। तो टेक्निक हो गई क्राइम कमिट करने की, ड्राइव हो गया, नीड या अर्ज कि आखिर क्यों हमें ये क्राइम करना है, वो भी तो ग्रुप से ही सीखेगा ना, मनी के लिए करना है या फिर कोई और उसकी नीड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। देन पोस्टुलेट कहता है कि लॉ को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कौन, पावरफुल पीपल। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक काइंड ऑफ हथियार कहना चाहिए यहाँ पे, उसकी तरह यूज़ किया जाता है, वेपन की तरह उन लोग यूज़ करते हैं, कौन, पावरफुल पीपल, इन ऑर्डर टू सप्रेस लेस पावरफुल पीपल, है ना, एक साधन होता है उनके लिए, कानून। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ज़्यादा पावरफुल हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, बहुत से केसेस में उनको सज़ा नहीं मिल पाती है, वो पैसे देकर या कुछ भी करके केस को जैसे तैसे रफा दफा करा के फाइलों में ही रख देते हैं। तो लेस पावरफुल पीपल मोस्टली सप्रेस हो जाते हैं, वो ग्रुप जो होता है जिनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती है जितनी पावरफुल लोग के पास, ये पोस्टुलेट आज भी कहीं ना कहीं सही है उनकी वैल्यू को इन्फोर्स करने के लिए। देन यहाँ ये भी माना जाता है कि क्राइम रेट ना हायर होता है वैसे सब कल्चरल ग्रुप्स में, वैसे ग्रुप्स में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल टेंडेंसी है, जहाँ क्राइम को नॉर्मल माना जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था बलि देने की जो प्रथा होती है वो कम्प्लीटली बैन है इंडिया में, सेक्रीफाइसेस अलाउ नहीं है पर्सन का या किसी भी चीज़ का। बस बहुत से ग्रुप में अभी भी ऐसा डाउरी लिया जाता है, चाइल्ड मैरिजेस की जाती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। अब हमारा 6th पोस्टुलेटी कहता है कि कोई भी पर्सन डेलिक्वेंट कब होता है। डेलिक्वेंसी मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर से जो उसका बिहेवियर अलग क्यों हो जाता है, एंटी सोशल टाइप का क्यों हो जाता है। तो जब भी कोई पर्सन ये देखता है या फिर ये एक्सपीरियंस करता है कि देयर आर एक्सेस ऑफ फेवरेबल कंडीशन या एक्सेस ऑफ डेफिनेशन इन द फेवर ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ, मतलब कि उसके पास इन काइंड ऑफ वो जब ऑब्जर्व करता है कि लॉ तोड़ना ज़्यादा ईजी है, सर्कमस्टेंसेस लॉ के वॉयलेशन के लिए थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल है, देन ओबेइंग द लॉ,
तब ही एक पर्सन डेलिक्वेंट बनता है, उसके पास कोई कानून का डर नहीं रह जाता है, उसके लिए अब कानून तोड़ना, लॉज को तोड़ना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए वो डेलिक्वेंसी का रास्ता चुनता है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सेवेंथ पोस्टुलेट जो कहता है कि वेरिएशन ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन, मतलब कि आखिर किन किन पैरामीटर्स के साथ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वेरी करती है। सबसे पहला तो फ्रीक्वेंसी कि आखिर कितने लोग इन्वॉल्व हैं टोटल ये सोशल लर्निंग एक्ट में या फिर उस कंपनी में। फिर दूसरा प्रायोरिटी, तीसरा है एज, मतलब कि किस एज में चाइल्डहुड के किस स्टेज में आखिर पर्सन ने लर्निंग शुरू की थी क्रिमिनलिटी की, क्रिमिनल बिहेवियर की। उसके बाद आता है इंटेंसिटी, फिर टाइम। ठीक है, तो टाइम, वो टाइम की हम यहाँ बात कर रहे हैं या फिर उस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं जब वो, जब तक उस पर्सन के रिलेशन लास्ट करेंगे उस ग्रुप से, वो ग्रुप जहाँ से वो क्रिमिनलिटी सीख रहा है। इंटेंसिटी, किस गति से वो पर्सन क्रिमिनलिटी सीख रहा है, क्रिमिनल बिहेवियर को ग्रास्प कर रहा है। हमारा एट पोस्टुलेट कहता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर की लर्निंग है ना, वो बाकी लर्निंग की तरह ही होती है। जिस तरह से लाइक कोई बच्चा अल्फ़ाबेट सीखता है, एक एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, देन वर्ड्स बनाना, फिर सेंटेंस बनाना, सिमिलरली क्रिमिनल बिहेवियर की लर्निंग भी होती है। स्लोली स्लोली पर्सन क्रिमिनलिटी को ग्रास्प करता जाता है, सीखता जाता है, तो इसकी लर्निंग सिमिलर है, सेम एज अदर लर्निंग, दूसरी चीज़ों को सीखने के बराबर ही होती है। किसकी लर्निंग? क्रिमिनलिटी की लर्निंग। फिर नाइन्थ पोस्टुलेट कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यू, मतलब कि कोई पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर कब सीखता है, जब उसको अपनी कोई नीड्स और वैल्यू को सेटिस्फाई करना होता है। बट देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्रिमिनल बिहेवियर ही सीखें, है ना, हम और भी अच्छे तरीके से नॉन क्रिमिनल बिहेवियर के थ्रू भी अपनी नीड्स और वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ऐसे में तो हर कोई फिर क्रिमिनलिटी की ओर जाने लगेगा ना। तो यही बस नाइन्थ पोस्टुलेट में कहा गया है कि क्रिमिनल बिहेवियर है वो एक्सप्रेशन होता है किसका? जनरल नीड्स एंड वैल्यूज़ का। अब देखते हैं इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि नॉट एवरीवन इन कॉन्टेक्ट ऑफ क्रिमिनल बिकम्स वन। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन किसी बुरी संगत में है, क्रिमिनल के इन्फ्लुएंस में है, या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ क्रिमिनलिटी प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो पर्सन भी क्रिमिनल ही बने। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी ये इस बात को सही नहीं प्रूफ कर पाती है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर हमारा दूसरा ड्रॉबैक था पर्सनैलिटी फैक्टर्स, जिसकी बात यहाँ पर की ही नहीं गई है, मतलब कि उस पर्सन के खुद के भी तो कुछ एथिक्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती है जो उसने बचपन से सीखा होता है, मॉरल वैल्यूज़, राइट। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट समवंस कंपनी, कि कंपनी में है तो बिगड़ गया, कंपनी में है तो सुधर गया, उसके खुद के भी एथिक्स और वैल्यूज़ एक की रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी को शेप करने में। फॉर एन एग्जाम्पल, ए की फ्रेंडशिप है बी से और ए एक स्मोकर है, ठीक है, वो स्मोक करता है, बट बी वैसा नहीं करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वैसा करे। वेयर एज सी बी का फ्रेंड है जो कि ड्रिंक करता है, तो बी के अपने भी कुछ एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो इन चीज़ों को नहीं करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ए और सी के इन्फ्लुएंस में आके स्मोक और ड्रिंक करना शुरू कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसके एथिक्स, वैल्यूज़, मॉरल जो भी हैं, वो इन सब चीज़ से ऊपर हो, उसको घर में अच्छी शिक्षा दी गई हो कि ये सब चीज़ें ख़राब है, हानिकारक है, उसको पता है, और क्या भरोसा वो ए और सी को सुधार दे। तो ये वाला पॉइंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक साबित हुआ। फिर वाई अदर पीपल कमिट क्राइम, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न्ड। अब उन पर्सन का क्या जो कि कभी बुरी संगत में रहे ही नहीं, है ना, ऐसे पर्सनल ग्रुप्स के कांटेक्ट में आए ही नहीं, वो भी तो क्रिमिनल बन सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही क्रिमिनल बने जो बुरी संगत में आया है या फिर जो ख़राब ग्रुप में रह रहा है। ठीक, देयर आर अदर पीपल हु कमिट क्राइम, और इस चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करने में फिर से फेल हो गई ये थ्योरी, राइट। गुड कंपनी में होके भी लोग क्राइम कमिट कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, एक एग्जांपल मैंने दिया अभी, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बैड कंपनी ही किसी की क्रिमिनलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम हर वक्त संगत को ब्लेम नहीं कर सकते।
तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी आज हमने कंप्लीट कर ली है क्रिमिनोलॉजी की। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, एक तरह से कहना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम्स में तो क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार और लेक्चर रिपीट में देख लीजिए। इन केस यू हैव एनी डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड कीप स्टडिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच। Play my emotions like a pair of puppet strings.